वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौजूदा हालात में बढ़ते हुए फीड के रेट के पोल्ट्री की लेबर के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं और पिछले एक साल में फीड के रेट कितने बढ़े और अगर फीड का रेट बढ़े तो उसमें वर्कर को क्या नुकसान होता है। वैसे तो फार्मर हर चीज बर्दाश्त कर लेता है लेकिन जब भी वर्कर की तनख्वाह बढ़ाने की बात की जाए तो मुख्तलिफ उसके बहाने होते हैं कि देखे जी फीड का रेट बहुत ज्यादा है, फीड महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया, मेडिसिन महंगी हो गई है, फलां चीज महंगी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। महंगाई बहुत है, लुबे लुबाव तो ये है ना कि महंगाई बहुत हो गई है। कभी आपने सोचा है किसी फार्मर ने कि जो आप तनख्वाह एक वर्कर को आप दे रहे हैं 12,000 रुपए, इस तनख्वाह में एक वर्कर का कैसे गुजारा होता है। आज हम इस बात का मुआवजा करेंगे कि फीड का रेट बढ़ने से कितना फार्मर को नुकसान होता है और वो बर्दाश्त करता है हंसी खुशी, उसका उसके पास कोई हल नहीं है, और अगर वर्कर की तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो उसका उसको कितना बोझ उठाना पड़ेगा। हालांकि वर्कर की तनख्वाह कम करने से फार्मर को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, बढ़ाने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। पिछले चंद दिनों में फीड का रेट 300 रुपए फी बोरी बढ़ गया और इसके इस रेट बढ़ने से मुर्गी की तैयार होने की लागत बढ़ गई है। सबसे पहले वर्कर की तनख्वाह की बात करते हैं तो 30,000 का एक फार्म जिसके पास है वहां पर अमूमन एक सुपरवाइजर, एक बर्ची और 4 वर्कर की जरूरत होती है। सिक्योरिटी गार्ड, मुंशी या और कोई भी बंदे आप वो अपनी मर्जी से हायर करते हैं, इनकी जरूरत हो आपको हो सकती है लेकिन फार्म के काम के लिए इनकी जरा पर भी जरूरत नहीं है। 30,000 के एक शेड पर अमूमन एक सुपरवाइजर की तनख्वाह 30,000 रुपये होती है, 14,000 रुपया बावर्ची की तरफ आती है और 12,000 के 4 वर्कर होते हैं, 4 वर्कर जिनकी टोटल 48,000 रुपया बनती है तनख्वाह। तो ये टोटल बनता है 91,000 रुपए। अमूमन जो फ्लॉक होता है वो 45 दिन के अंदर वो क्लोज हो जाता है, तो 91,000 प्लस 15 दिन की तनख्वाह जो है वो बनती है 45,500 रुपए। तो ये टोटल जो है ना 1,36,500 रुपए बनती है। इसके अंदर आप 3,500 रुपया जो है ना वो फी बंदे का खाना डाल लें तो वो एक मंथ का 21,000 रुपया बनता है और 45 दिन का वो बनता है 31,500 रुपए। इसके अलावा अमूमन 30,000 के शेड पर 2,000 बोरी फीड की इस्तेमाल होती है और 2 रुपए उसकी अनलोडिंग होती है वो मजदूरी जो फार्मर पे करता है, तो ये 4,000 रुपए फीड की अनलोडिंग होगी। 1,36,500 रुपए पहले वाला, 31,500 रुपए किचन का खर्चा, खाने का खर्चा, 4,000 रुपए जो है वो फीड की अनलोडिंग और 12,000 रुपए कैचिंग की मजदूरी। आप सभी फार्मर और अब सभी सुपरवाइजर डॉक्टर हजरात आप ये जानते हैं इससे इजाफी चीज आप कुछ भी नहीं देते, बल्कि तो आप फार्मर तो काट भी लेते हैं। तो ये 9,25,000 रुपए बनते हैं साल के 5 फ्लॉक और 9,25,000 रुपए बनती है ये वर्कर की तनख्वाह अगर सारी तनख्वाह वो फार्मर पे करता है। बहुत से फार्मर ऐसे भी शहजादे हैं जो सैलरी तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक दिन की मजदूरी भी नहीं देते। अब आ जाए फीड का रेट बढ़ने से क्या होगा, तो मैं बता रहा था कि 300 रुपया कम से कम 300 रुपया वो पिछले 2 माह के अंदर बल्कि 1.5 माह के अंदर जो है ना वो 300 रुपया फीड का फी बोरी का पड़ा है। अब एक फ्लॉक में 2,000 बोरी जो है वो 30,000 चूजा है वो कम से कम खाता है, तो फी फ्लॉक में 6,00,000 रुपए का इजाफा है और 5 फ्लॉक साल के निकलते हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि ये बनता है सीधा सीधा 30,00,000 रुपया, 30,00,000 रुपया सालाना और साल के 5 फ्लॉक, 5 या 30,00,000 रुपया आपने बर्दाश्त करना है। इसके अलावा मेडिसिन का भी वो खर्चा है वो भी आपने बर्दाश्त करना है, डीजल का, बिजली का बिल है, दूसरे अखराजात जो इजाफी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक वर्कर की तनख्वाह 3,000 रुपया बढ़ा दी जाए, मतलब 12,000 से 15,000 रुपया तनख्वाह कर दी जाए, तो फिर क्या होगा। तो वर्कर है 4,
टोटल 4 वर्कर हैं और 12,000 रुपया फी मंथ बनता है, 18,000 रुपया 45,000, 45 दिनों का बनता है फी फ्लॉक का, और साल में निकलते हैं 5 फ्लॉक, तो ये टोटल 90,000 रुपया बनता है। 90,000, अफसोस की बात है यार, यार 3,000 रुपए की इतनी औकात नहीं है। आप इतने पैसे तो यार आप जो है वो एक मंथ के अंदर जो है वो 3,000 बल्कि 12 से 15,000 रुपया आपका मोबाइल का खर्चा हो सकता है, आपके बच्चे की पॉकेट मनी हो सकती है। कहां 30 लाख रुपया आप फीड का बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सिर्फ फीड का है, मेडिसन डीजल बाकी जो अखराजात है वो इजाफी वो अलग है। एक जो मजदूर है ना वो आपके बच्चों के लिए मेहनत करता है, आपके फार्म पर मेहनत करता है, उसकी मेहनत से अल्लाह पाक आपको और आपके बच्चों को रिजक देता है। तो 3,000 रुपया मतलब 12 से 15,000 तनख्वाह करने से कुछ भी नहीं होगा।